नमस्कार, आज हम दिखा रहे हैं आपको सनसनीखेज खबर। महरौली में अपने लिविंग पार्टनर श्रद्धा के 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब पर सनक किस हद तक सवार थी, इसका खुलासा इसके ताजे कबूलनामे से होता है। उसने फ्रिज में रखे श्रद्धा के सिर को आखिर कब तक नहीं फेंका। पूछताछ में आफ्ताब ने पुलिस को बताया कि वो अक्सर फ्रिज में रखे श्रद्धा के कटे सिर को देखकर अपने प्यार की यादें ताजा करता था। दिल्ली पुलिस आफ्ताब पूनावाला से इस दिल को दहलाने वाले हत्याकांड के हर राज उगलवाने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में उसका नार्को टेस्ट भी किया जा सकता है। अब तक की पूछताछ में आफ्ताब ने कबूला कि उसने श्रद्धा का गला घोटने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन वह सिर को छत बिछत नहीं कर पाया था। श्रद्धा का यह कटा सिर आफ्ताब पर सजा का फंदा बना गया। इसके मिलने से शव की पहचान भी साबित हो सकेगी। बेहद स्वांड हुआ। आफ्ताब हत्या के बाद श्रद्धा के शव के टुकड़े करने में तो सफल रहा, लेकिन वह उसके सिर को काट नहीं पाया। उसने उसे फ्रिज में सजा दिया था। शव के दूसरे हिस्सों को वह रोज रात में 2 बजे उठकर फेंकता रहा, लेकिन सिर को उसने सबसे आखिरी में ठिकाने पर लगाया। आफ्ताब ने पूछताछ में दावा किया, इस दौरान वह फ्रिज खोल कर श्रद्धा के सिर को निहार कर अपने प्यार को याद किया करता था। श्रद्धा के शव से छुटकारा पाने के लिए उसने सबसे आखिरी में सिर को जंगल में ही फेंक दिया था। वही एक अखबार ने अपनी रिपोर्ट पुलिस सूत्रों में हवाले बताया कि आफ्ताब ने श्रद्धा के कटे हुए सिर का मेकअप किया था, रोज उसे देखते हुए बातें करता था। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि बात करते हुए अचानक गुस्सा आने पर वह उसके गालों पर थप्पड़ मारता था। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन ये जो दर्दनाक घटना घटित हुई है, इसके लिए हमारा चैनल खेद प्रकट करता है।